हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। गर्मी में हमारे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। देखिए किस तरह से हमारे डैमेज हो जाते हैं बाल। तो उसके लिए आज मैं एक होम रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होगी, और मतलब गर्मी में हमारे लिए ठंडी भी होगी। तो मैं आपको वो रेमेडी दिखाती हूँ। चलिए देखिए, ये ले लिया है मैंने मेथी दाना, जिसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। देखिए जो अच्छे से फूल गया है, कम 2 चम्मच के करीब। और इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने कलौंजी ले ली है, इसे भी मैंने भिगो कर रात भर रख दिया था। और अब मैं इन्हें दोनों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए दोनों चीज़ें डाल दी हैं और अब इन्हें हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। मेथी हमारे बालों में शाइनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, और कलौंजी से हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें अच्छे से इसमें ग्राइंड कर लिया। और इधर मैंने ले ली है ये 1 कटोरी दही, और अब मैं ये कलौंजी और मेथी इसमें ऐड कर देती हूँ। इसे कर लेंगे हम दही में अच्छे से मिक्स। देखिए इन तीनों चीज़ों का एक अच्छा सा बैटर ये तैयार हो गया है। दही हमारे बालों में डैंड्रफ के लिए और शाइनिंग के लिए और खुश्की के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे हमारे बाल ड्राई नहीं होते हैं, अच्छे से हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है। तो चलो मैं इसे आपको अपने बालों में अप्लाई करके दिखाती हूँ किस तरह हमें ये अप्लाई करना है। देखिए अब हम इसे इस तरह से अपने सर में अप्लाई करेंगे। ऐसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी मांग निकालते रहेंगे। अच्छे से हम जड़ों में इसको अच्छे से भरेंगे। आप खुद से भी लगा सकते हो, अगर आपके पास कोई है लगा सकता है तो आप किसी से अपने सर में इसे अच्छे से अप्लाई भी करा सकते हो। फिलहाल मेरे पास कोई नहीं है तो मैं इसलिए इसे कभी खुद से अप्लाई। और अब हम ले लेंगे छोटी छोटी लेयर, और इस लेयर पे इस तरह से इसे अप्लाई करेंगे जिस तरह से हम मेहंदी अप्लाई करते हैं। इस तरह से हम अपने सारे सिर में इसे अप्लाई कर लेंगे। और देखिए मैंने ये अपने सारे सिर में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और अब मैं इसे 1.5 घंटा के लिए इस तरह से खुले छोड़ दूंगी। नहीं क्लेच लगा लूँ, देखिए कितने अच्छे से सारे बालों में लग गया। और अब मैं आपको इसे आधे घंटे बाद वॉश करके अपने बालों को दिखाती हूँ कि मेरे बालों में कितनी शाइनिंग और अच्छे हो जाते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, दिखाती हूँ आपको सपना हेयर वॉश करके। और दोस्तों देखिए मैंने अपने बाल धो लिए हैं अच्छे से, थोड़े गीले। देखिए आप देख सकते हो कि मेरे बालों में कितनी शाइनिंग आ गई है। देखिए तो आप मेरी इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेमेडी ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और शेयर करना। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे आप अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय।